हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ गोली और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे हैं कि आज मैं बिहारी स्टाइल में क्यों तैयार हुई हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की एकदम फेमस चंपारण हांडी मीट, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होगी और बनाने में बहुत ही आसान। हम इस रेसिपी को मिट्टी की हांडी में बनाएंगे और मिट्टी की हांडी में बना हुआ ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो आइए चलते हैं और इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप भी चंपारण स्टाइल हांडी मटन बनाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए और बहुत ही डिलीशियस हांडी मटन बना करके तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में छोटी सी घंटी उसी पर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बिहार की एकदम फेमस चंपारण हांडी मटन बनाएंगे। ये देखिए कितना जूसी है, कितना टेस्टी, और मुंह में जाती है घुल जाएगी। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है। हम इस रेसिपी को बनाएंगे हांडी में और हांडी को हम सील करेंगे जिससे कि मटन में सारे हांडी का जो सोंधापन है, जो सारे फ्लेवर है वो चले जाएंगे। चंपारण की ये फेमस रेसिपी इसलिए है क्योंकि इसे हांडी में बनाया जाता है और जो हांडी का जो सोंधापन है वो मटन में जाता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देर किस बात की, हम इस रेसिपी की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। चंपारण की फेमस हांडी मटन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस गर्म कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, लगभग 100 ग्राम हमने सरसों का तेल ले लिया है और हमें इस तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि इसमें अच्छी खासी हीट आनी शुरू नहीं हो जाती है। मस्टर्ड ऑयल को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये लीजिए ऑयल में से अच्छी खासी हीट आनी शुरू हो गई है, ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और ऑयल को ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। जब तक ऑयल अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक मैं मटन और मैरिनेशन दोनों तैयार कर लेती हूँ। पहला टिप ये है कि जब भी आप हांडी मटन बनाइए उसमें ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए ताकि जब आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। मटन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा परात ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी बड़े बोल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर सकें। और अब मैं इसमें सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, लगभग 1/2 kg के करीब। आधा किलो के करीब बारीक कटा हुआ प्याज लिया है जिसे पतले पतले पीसेस में हमने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे 2 तरीके से कट कर सकते हैं, या तो आप इसे पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में कट कर सकते हैं या फिर आप इसे छोटे छोटे बारीक पीसेस में भी कट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बिना मटन अधूरा है, तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे एकदम अच्छे से कूट करके भी डाल सकते हैं। पिसे हुए मसालों में हम ऐड करने वाले हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में हमने यहाँ पे ले लिया है 2 स्ट्रिप दालचीनी की, साथ ही साथ हमने यहाँ पे 5 से 6 काली मिर्च ले ली है, 3 से 4 हमने यहाँ पे लौंग ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले लिया है हमने और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे 4 छोटी इलायची का यूज़ किया है ताकि एकदम अच्छा फ्लेवर आए। और हमने यहाँ पे 1 चक्री फूल लिया है, आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, और थोड़ी सी हमने जावित्री ले ली है। तो अब हम इन सारे मसालों को मैरिनेशन वाले बोल में डाल देंगे और अब हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता लिया है, आप चाहें तो इसे खड़ा भी डाल सकते हैं, मैं इसे तोड़कर ऐड कर रही हूँ। मटन को स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, लगभग हमने यहाँ पे 6 से 7 लाल मिर्च ले ली है। अगर आप स्पाइस थोड़ा कम खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। वैसे तो जो चंपारण मीट होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तभी इसके खाने का मज़ा आता है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा तीखा बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी तीखा पसंद है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच होममेड मीट मसाला। मटन में एकदम अच्छा कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला। हमने यहाँ पे मैरिनेशन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। हमने वैसे तो इसमें लहसुन ऐड कर दिया है लेकिन जो चंपारण मीट की फेमस बात ये है कि उसमें खड़ा लहसुन डाला जाता है, तो मैं भी इसमें ऐड करने वाली हूँ खड़ा लहसुन। ये देखिए खड़ा लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब वो मटन के साथ पकते हैं, उसमें सारे फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं और खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं भी इसमें खड़ा लहसुन ऐड कर रही हूँ, लगभग 3।
तो हमें इसमें ऐड कर देना है। लहसुन ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें गरम किया हुआ तेल ऐड कर दूंगी। हमने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है बस मटन को छोड़ करके, तो अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगी अपने हाथों से। ये थोड़ा सा सीक्रेट प्रोसेस है चंपारण की फेमस हांडी मीट का, तो आप भी इसी तरीके से इसे बनाइए। हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाए, जिसके जूसेस हैं, ऑयल है, मसाले हैं, आपस में एकदम अच्छे से मिल जाए। और ये लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, मटन। हमने यहाँ पे 1/2 kg के करीब मटन लिया था जिसे एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है, तो हमें इसमें ऐड करना है। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि मटन को ऐड करते समय जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ना डालें इसमें। तो हम इसमें मटन को ऐड कर देंगे और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मटन के साथ साथ मसाले भी अच्छे से मिल जाए आपस में। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इस मैरिनेटेड मटन को साइड में रख दूंगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, और तब तक हम हांडी को अच्छे से कोट कर लेते हैं। चंपारण जैसी हांडी मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, इसे हांडी भी कहते हैं। और हमेशा हांडी लेते समय एक बातों का ध्यान आप जरूर रखिए। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप हांडी खरीदिए हांडी मटन बनाने के लिए, तो एक बातों का ध्यान आप जरूर रखिए कि हांडी नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। तो अगर हांडी फ्लैट होगी तो मटन एकदम अच्छे से पक के तैयार होगा, क्योंकि हम इसे तवे पे भी पकाने वाले हैं, तो इसलिए ये टिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं हांडी को अंदर से कोट कर लूंगी, और हांडी को अंदर से कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 50 ग्राम के करीब घी, लगभग 3 से 4 चम्मच के बराबर है ये। तो मैं इसमें घी को ऐड कर दूंगी। घी डाल देने के बाद हमें इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है, ये देखिए इस तरीके से। हमने हांडी को अंदर से कोट कर लिया है, तो अब मैं इसमें मैरिनेटेड मटन को डाल दूंगी। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कोटेड हांडी के अंदर मैरिनेटेड मटन को ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी मिट्टी का, और इसे चारों तरफ अच्छे से सील कर लूंगी ताकि फ्लेवर एकदम अच्छे से अंदर बने रहें और सारे फ्लेवर मटन में चले जाएं, ताकि खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया है मिट्टी का, और अब मैं इसे सील करने वाली हूँ। और हम इसे सील करेंगे आटे की लोई से, ये देखिए इस तरीके से हमें सील कर लेना है। चारों तरफ हम इसके ऊपर आटा लगा देंगे, ये देखिए, ताकि ढक्कन और जो उसके नीचे का बर्तन है वो आपस में पकड़ ले और फ्लेवर अंदर ही रहे। और ये लीजिए, हांडी हमारी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे गैस पर रख देंगे। गैस पे रखने के बाद हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे, और धीमे फ्लेम पे हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है। तीसरा और आखिरी टिप ये है कि जब आप हांडी को गैस पे रखेंगे तो वो डिपेंड करता है आपके बर्नर पे। अगर आपका बर्नर बहुत ज्यादा छोटा है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, अगर बर्नर आपका बड़ा है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए और आराम से हांडी मटन बना करके तैयार करिए। लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे एक तवे पे रख दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक लोहे का तवा ले लिया है और उसे हमने गैस पे रख दिया है। फ्लेम को हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम इसे मीडियम कर देंगे, और अब हम इस तवे के ऊपर इसे रख देंगे। हांडी को तवे पे रखने के बाद हम इसे फिर से 30 से 35 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद मैं इसे चेक करके आपको दिखाऊंगी। और ये लीजिए, हांडी को तवे पे रखे हुए 30 से 35 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो आइए मैं इस सील को खोल करके आपको चेक करके दिखाती हूँ। वाओ, अमेजिंग, क्या स्मेल आ रही है हांडी में से, बहुत ही डिलीशियस। और ये देखिए, मटन एकदम अच्छे से पक रहे हैं। तो आइए मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्पैचुला से इसे चेक करूँगी, और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये मटन पक रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। अभी भी ये पके नहीं हैं, हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है। मैं इसे सिर्फ चेक करके आपको दिखा रही हूँ।
तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें एक कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसे आधे घंटे के लिए और पकाएंगे एकदम धीमी आंच पे। आधा घंटा पूरा हो चुका है, तो आइए मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे मटन हांडी में एकदम अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको एक पीस चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। तो आइए इस मटन को हम एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए एकदम बढ़िया हमारे मटन हांडी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, एकदम मुंह में पानी आ जाने वाला, मुंह में घुल जाने वाला हमारा एकदम चंपारण स्टाइल हांडी मटन बनकर के तैयार हो चुका है। और मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से पका है, कितना अच्छा जूसी है, बहुत ही डिलीशियस। आप इस चंपारण स्टाइल हांडी मटन को खा सकते हैं गर्मा गर्म लिट्टी के साथ। अगर इसकी रेसिपी ये देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के एंड में देख सकते हैं, या फिर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। या फिर आप इसे चावल या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए। और मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कॉमेंट में लिख करके बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और अलग अलग तरीके की रेसिपी देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स।